रामायण में किए वर्णन के अनुसार प्रभु श्री राम ने ब्रह्मास्त्र चलाकर रावण का वध किया और फिर प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। लेकिन उसके बाद रावण के शरीर का क्या हुआ, रावण के सोने की लंका का क्या हुआ, इन सवालों के जवाब रामायण में नहीं है। कहा जाता है कि रामायण की कहानी जहां खत्म हुई वहीं से रावण की नई कहानी शुरू हुई। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तथ्य बताएंगे जिसका जिक्र रामायण में नहीं है लेकिन श्रीलंका सरकार के दस्तावेजों में है। कई किस्म के लेप लगाकर किसी शरीर को सदियों तक सुरक्षित रखने की परंपरा मिस्र में प्रचलित थी। 14वीं शताब्दी में मिस्र के राजा तूतन खामेन के बारे में ऐसे दावे किए गए थे कि सदियों बाद भी उनका शरीर पिरामिड में सुरक्षित रखा गया होगा। इन दावों को परखने के लिए जब वैज्ञानिकों ने पिरामिड के अंदर शोध मुहिम चलाई तो ये साबित हुआ कि ममी बनाने की प्रथा वाकई में प्रचलित थी और किसी शरीर को हजारों सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद है जो बीते हुए रामायण काल के इतिहास की गवाही देते हैं। श्रीलंका के लोग अपने पूर्वजों से ये बातें सुनते आए हैं कि लंकाधिपति रावण का शव आज भी श्रीलंका के घने जंगलों में सुरक्षित है। वहां के लोग मानते हैं कि रावण के वध के बाद नाग जाति के लोगों ने रावण को कई विधियों से जीवित करने का प्रयास किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, तो वो लोग रावण का शरीर उठाकर ले गए और उसके शरीर पर जड़ी बूटियों का लेप लगाकर एक ताबूत में सुरक्षित रख कर उस ताबूत को किसी गुफा में छुपा दिया। उनको ये उम्मीद थी कि अगर संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को जीवनदान मिल सकता है तो उसी संजीवनी बूटी से रावण को भी दोबारा जिंदा किया जा सकता है। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है बल्कि श्रीलंका की रिसर्च टीम भी ये मानती है कि रावण का शरीर आज भी श्रीलंका के घने जंगलों में एक ताबूत में रखा गया है। श्रीलंका में कोलंबो से 220 किलोमीटर दूर बसी एक जगह रग्गला में इस ताबूत के होने का दावा किया गया था। बाद में श्रीलंका सरकार की रिसर्च टीम ने कई बार उस गुफा तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन कभी सांप और चीतों ने उनका रास्ता रोक लिया तो कभी खराब मौसम मुसीबत बनकर खड़ा हो गया। कई कोशिशों के बाद उन्हें वहां के जंगलों में गुफाओं का एक नेटवर्क मिला। इनमें से ही एक गुफा में एक 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा पत्थर का ताबूत उन्हें मिला। खोजबीन के बाद पाया गया कि इस ताबूत पर एक खास किस्म का लेप लगा है। इस ताबूत को खोलने की इजाजत तो वहां की सरकार ने नहीं दी क्योंकि यह आस्था और सुरक्षितता का मामला था। क्योंकि इस गुफा की बनावट ऐसी है कि यहाँ एक भी पत्थर अगर खिसकता है तो बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए इस ताबूत को आज तक बाहर निकालने की और खोलने की इजाजत नहीं मिली। श्रीलंका के केंद्रीय मंत्री ने भी एक इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया था। श्रीलंका में एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो सिर्फ रावण और उससे जुड़ी ऐतिहासिक मान्यताओं पर रिसर्च करती है जिसका नाम है रावणा बलया। रावणा इज द किंग ऑफ ही वाज द किंग ऑफ श्रीलंका स्टिल देयर वाज अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड रावणा बलया इन श्रीलंका स्टिल दे आर हैविंग हिज नेम। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन श्रीलंका के लोगों के दावे और वहां के सरकार की बात मानी जाए तो ये उनका इतिहास है और अगर ऐसा है तो ये रामायण से जुड़ा एक और बड़ा सबूत होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।